नए साल में नई उड़ान स्वास्थ्य सुरक्षा और सम्मान के तहत प्रत्येक रविवार को लगने वाले मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का रविवार को जिले के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के केंद्रों पर आयोजन किया गया। आयोजित स्वास्थ्य मेले में सैकड़ों पुरुष, महिला और बच्चों को योजना का लाभ पहुंचाया गया। आयोजित मेले में लीवर रोगी, स्किन रोगी, टीबी रोगी, गर्भवती महिलाओं की जाँच और अन्य रोगियों को देखने के साथ ही विभिन्न रोगियों को विभिन्न कारणों से जिला अस्पताल और बीआरडी मेडिकल कॉलेज जाने के लिए जानकारी दी गई। मेले में चिकित्सकों और पैरामेडिकल कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री आरोग्य मेला जिले में सकुशल संपन्न हुआ। मेले में भारी संख्या में पहुंचे मरीजों का उपचार के साथ साथ उन्हें अन्य स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां भी दी गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से टेलीफोन पर बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया। दोनों में से आधी आधी रहेगा, इसमें से पूरा पूरा सुबह शाम खिलाना है। ऐसे ऐसे खड़े रहो, ऐसे खड़े रहो, ऐसे खड़े। खड़े रहो, ऐसे खड़े रहो, ऐसे ऐसे। हाँ जी, बाहर करो। आज दिनांक 21 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन किया जाता है। गोरखपुर जिले में 79 नगरी व ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 4,887 मरीजों को देखा गया। उसमें 1,625 पुरुष और 2,622 महिलाएं थी और 640 बच्चों का इलाज किया गया। आज ही के दिन 287 गोल्डन कार्ड भी बनाया गया। सबसे ज्यादा रोगियों की जो संख्या थी वो स्किन के रोगी सबसे ज्यादा मिल रहे हैं, जो कि 723 रोगी स्किन के दिखा मिले और 177 लीवर के रोगी रहे, 22 टीबी के रोगी का इलाज किया गया, 290 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई और जो 24 कुछ सीरियस मरीजों को बीआरडी मेडिकल कॉलेज को रिफर कर दिया गया। आज ही के दिन खुशहाल परिवार दिवस भी मनाया जाता है, जिसमें मैं स्वयं सीएमओ गोरखपुर कौरी राम प्राथमिक स्वास्थ्य कौरी राम का निरीक्षण किया और एक नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गजपुर, जहाँ की स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा था, उसका निरीक्षण किया। बहुत ही अच्छी तरह से आशा एनएम सब मरीजों को ला रही थी और उनका टीकाकरण भी हो रहा था और साथ साथ इनकी जांच भी हो रही थी। कोरोना के मरीजों के लिए भी संदिग्ध रोगियों की वो सैंपलिंग भी की जा रही थी। सर, इसमें एक बात बताइए कि जो प्राइवेट आईएमए वगैरह लोगों ने कहा था कि सहयोग करने, आईएमए के लोगों ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के और नर्सिंग एसोसिएशन के डॉक्टरों का भी पार्टिसिपेशन रहा। मेडिकल कॉलेज जो है अपने चार जगहों पर अपने विशेषज्ञ चिकित्सकों को भेजता है और आज भी भेजे हुए थे, उन लोगों के द्वारा भी इलाज किया गया।